एवरीवन, वेलकम करती हूँ एक नए ब्लॉग में। तो आज हमारे यहाँ पे एक नया मेहमान आया है, बहुत ही प्यारा सा। वो आया है तन्वी की जिद की वजह से। तन्वी ने बहुत जिद करी है, लगभग 15 दिन से तन्वी कॉन्टिन्यू जिद कर रही है कि मुझे चाहिए 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 चाहिए। तो आज इसके नाना लेके आए हैं, क्योंकि तन्वी की जिद और नाना नानी पूरी ना करे ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मैं एंटी थी, मैंने कहा मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए नहीं चाहिए, बट नाना कहाँ मानने वाले तन्वी के आगे, तो सब ठीक ही है। खैर चलो, मिलवाती हूँ आपको नए मेहमान से। सरप्राइज, तो ये है नन्ना मेहमान, ये छोटू मोटू सा खरगोश, प्यारा सा रैबिट है ना, कितना क्यूट है। और जब से ये आया है, नाना आपके लिए छोटा सा लाए। जब से ये आया है 2 घंटे हो गए, तन्वी कॉन्टिन्यू इसी से खेल रही है, पढ़ने में इसका मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। और देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये देखो कैसे खा रहा है। तो अब इसको घास खिलाई, खीरा भी खिलाया। तो एक्चुअली मैं, हमारे गांव के भाई साहब हैं, उनके यहाँ खरगोश पला हुआ है काफ़ी टाइम से। तो उनके यहाँ भी 8-10 दिन पहले ही बच्चे हुए थे, 8-10 दिन या 15 दिन ऐसे ही हो गया होगा, मुझे फिक्स पता रही। तो उनके यहाँ खरगोश के बच्चे हुए थे, तो पापा ने ऐसी तन्वी से चर्चा चलाई, तो अब वो मचल गई, बोली या तो डॉगी चाहिए या खरगोश चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर पापा ने कहा चलो हम खरगोश लेके आते हैं, क्योंकि डॉगी तो थोड़ा सा ज़्यादा शैतानी करता है और मोहल्ले में दिक्कत भी हो जाती है ना, किसी को काट आट ले। तो पापा ने खरगोश के लिए बोल दिया था और अब लेके आ गए हैं। लेकिन अभी तन्वी के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, 10 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म है। तो मैंने कहा पापा अभी क्यों ले आए, आप बाद में ले आते। तो वो कह रहे थे अभी देख लो इसको एक दिन, और अगर तन्वी पढ़ाई नहीं करती है तो इसको अभी वापस कराएंगे, फिर 10 तारीख को ले आएंगे। तो अब देखते हैं इसका क्या रवैया रहता है, क्योंकि आज तो ये बिल्कुल पढ़ने वाली ही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश करी, बिल्कुल लर्न नहीं कर रही है, केवल उसी खरगोश में लगी हुई है अपने। देखो किस तरह से खिला रही है, ये देखिए। हैं, स्कूटी निकाल दे, स्कूटी निकलवा दो, हमें मंदिर जाने। पढ़ाई करोगे अच्छे से? पक्का? अगर पढ़ाई नहीं की तो मैं वापस करवा दूंगी, फिर 10 तारीख को आ पाएगा सीधे? पक्का पढ़ोगे? हाँ, बड़े कान है उसके, रेड आंखें हैं, क्यूटी क्यूटी सा, क्यूटी क्यूटी सा। उसका नाम क्या रखना है? अच्छा अच्छा सा। आपने सोचा है कुछ? आप सबसे बोलो पहले, आप लोग नाम बताओ प्लीज, बोलो सबसे बोलो। नहीं नहीं बोलो, करो आप लोग नाम बताना कमेंट बॉक्स में मेरे खरगोश के लिए। बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी, बोलो बोलो जल्दी। आपको पहले क्या खिला रहा है? खीरा? खीरा ही पसंद है। अब बता दो सी, रख के छोड़ दो, वो अपने आप खाएगा, उसको पुश मत करो बार बार, जबरदस्ती मत खिलाओ। तन्वी मत खिलाओ बेटा, छोड़ दो उसको, थोड़ा सा रेस्ट लेने दो। प्यारा है आपका, प्यारा हमें पता है, उसको छोड़ दो, अब आने वाली होंगी, छोड़ दो तन्वी, खा लेगा वो अपने आप। अब हट जाओ, थोड़ी हट जाओ, सबको दिखाएगी खरगोश कितने अच्छे से वो करने लगा। नहीं झगड़ा ना करो, दोनों लोग खेलो अच्छे से। तो फ्रेंड्स, एक गत्ते को ना इसका फिलहाल में घर बना दिया है, बट अभी देखते हैं, समझेंगे कि क्या इसको मिट्टी वगैरह चाहिए। आप लोगों को कोई जानकारी हो जिसने खरगोश को पाला हो, तो प्लीज़ इससे जुड़े हुए जो भी चीज़ें हो हमें ज़रूर बताइएगा, तो हम लोग इसका ध्यान रख सकें। तो अभी ये सो रहा है, और इसके घर में देखिए तोसी ने कितनी सारी ककड़ी, दूबा यानी घास, टमाटर वगैरह रख दिया है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे कहनी थी कि हमारे घर पर ये नया सा मेहमान तो आ गया प्यारा सा, तो इसका नाम क्या रखूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस पेट का बहुत ही प्यारा सा है, छोटू मोटू सा, नाम ज़रूर बताना आप। तो बस फ्रेंड्स, ये था छोटा सा ब्लॉग, हमारे घर एक नन्ना सा मेहमान आ चुका है। तो आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे छोटू से खरगोश के लिए एक लाइक तो बनता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये मेरा नन्ना सा मेहमान, नन्ना सा पेट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।